खबर है लखनऊ से, जहां यूपी भाजपा की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह की ये अहम बैठक थी। आगामी चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा हुई है। जन विश्वास यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में बैठक, एक बड़ी बैठक अमित शाह की तरफ से की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आपको बताएं, इस बैठक में कौन कौन मौजूद था? अमित शाह, गृह मंत्री जो कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक का हिस्सा रहे। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए, ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, क्या कुछ छनकर सामने आया इस बैठक से? जी देखिए प्राची, आज की बैठक का मुद्दा था जन विश्वास यात्रा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीनों से करीब लगातार हर मौके पर, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बहुत सारी रैलियां आयोजित की हैं, बहुत सारी यात्राएं आयोजित की हैं, इसके अलावा सम्मेलन समारोह किए हैं। छोटे से छोटे सम्मेलन समारोह में भी मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री जैसे जो बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री खुद भी पहुंच रहे हैं। पूरा फोकस 2022 की विधानसभा चुनाव पर है और अब इन सारी जो बैठक, सम्मेलन और समारोह हुए हैं, यात्राएं हुई हैं, उनका एक बड़ा रूप सामने आ रहा है जन विश्वास यात्रा के जरिए, जो परसों से यानी 19 दिसंबर से शुरू होगी और ये प्रदेश के अलग अलग जनपदों से शुरू होंगी। उसके बाद इनका समापन होगा ठीक 6 जनवरी को लखनऊ में समापन होगा। इस दौरान 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये पूरी यात्राएं निकाली जाएंगी। चूंकि समय कम है, पिछली जो यात्रा निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने वो करीब 1.25 महीने का उसमें समय दिया गया था और 403 विधानसभा क्षेत्रों में गई थी, लेकिन अब की बार समय कम है ये माना जा रहा है। बिल्कुल, पूरी तरीके से रणनीति पर जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। विवेक, इस बीच ये भी दर्शकों को सुना देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना था इस बैठक के खत्म होने के बाद। बैठक में एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, कमल के फूल, जो कमल का फूल खिला हुआ, कमल का फूल फिर भी खिला रहे, और 300 से अधिक कमल का फूल खिला था, 300 से अधिक कमल का फूल फिर से खिले, और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम 2017-2022 में दोहराएंगे। धन्यवाद। जन विश्वास यात्रा 19 तारीख को प्रारंभ हो रही है। 6 यात्राएं हमारी प्रदेश स्तर की हैं और 6 हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता उसमें रहेंगे, प्रदेश के भी हमारे जो नेता हैं वह भी रहेंगे, और उस यात्रा की जबरदस्त तैयारी।